ये चिल्ला खादर जगह है। बहुत सारे मजदूर और किसान यहाँ पर खेती करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के बहुत सारे मजदूर आकर यहाँ इन खेतों में काम भी करते हैं। दिल्ली जो कि राजधानी है हमारे देश की, दिल्ली की 10% खाद्य ज़रूरतें यहाँ उगाई गई सब्जियों से, यहाँ उगाई गई फसलों से पूरी होती हैं। यमुना मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही 954 हेक्टेयर की ज़मीन को गैर कानूनी अतिक्रमण कहा है। यही नहीं, इस जोन में आने वाले लोगों को यमुना में फैले प्रदूषण की एक मुख्य वजह भी बताया है। किसानों की खेती को पर्यावरण विरोधी बताया गया है और सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था को अतिक्रमण की परिभाषा दी गई है। किसान बेचारे गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जो है मिसलीड किया जा रहा है। मिसलीड क्या किया जा रहा है, उनसे उनको समझ नहीं आ रहा है और उनपे ये बुलडोजर एजेंसियों का इस्तेमाल करके बुलडोजर चला रहा है। डीडीए सिस्टमेटिक तरीके से जमीनों को हड़पना चाहती है। तो डीडीए ने सबसे पहले क्या किया, उनके घर को अनऑथराइज अनाउंस किया, उनके घर तोड़ दिए। जबकि दिल्ली सरकार का जो एक्ट 2011 में पास हुआ है कि कोई भी अगर मान लिया 2006 डेडलाइन है, 2006 से पहले बने हुए, वहां पे उनके आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, सब कुछ है। वो एक गांव है एक्चुअली, डीडीए वो यमुना किनारे का एक गांव है, गांव बेला स्टेट के नाम से वो गांव है जी। वो दिल्ली का एक मॉडल विलेज हो सकता था। आप उस गांव को बर्बाद कर रहे हो। नाले का पानी तो नहीं लगाते हम, तो लगाते हैं ना हैंडपम्प का पानी, अपना बोरिंग का पानी लगाते हैं, और नाले के लगाने से खराब होती है। जैसे यमुना का लगा दिए, एनजीटी ने इस रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए यमुना कछार की खेती पर पूरी तरह बैन लगाने की अनुशंसा की है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को खेती बंद कराने और किसानों को हटाने का निर्देश दे दिया है। ये 1932 के कागज है मेरे पास, जब से हम यहाँ बैठे हैं। फिर 56 में कहते हैं डीडीए बनी, 56 में डीडीए बनी तो उसने कोई सर्कुलर निकाला, जिस जमीन का मालिक कोई नहीं होगा उस जमीन का मालिक डीडीए हो जाएगा। वो तो जमीन के मालिक कहते हैं डीडीए बन गई फिर। अब कहते हैं तो जब से अनऑथराइज बैठे हुए हैं, जबकि हमारे पास ये खसरा गिरदावली 2005 तक की है। इसमें पटवारी जो यहाँ का डीडीए का जो पटवारी होता है वो लिखता है कि हमने इस ज़मीन में क्या बोया, तो हम इलीगल कैसे हो गए। हम बैठे, उन्होंने हमारों के डीडीए का जो खरद गिरदावली ये दी है, तो हम इलीगल बना के दिए उसने पटवारी ने। वो लोग उस जमीन के रक्षक भी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो उस जमीन के मालिक हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो ऐसा थोड़ी कि आपने खैरात में दी या दिल्ली के किसी दूसरे क्षेत्र में, जैसे होता है कि डीडीए की लैंड खाली पड़ी है, एमसीडी की लैंड खाली पड़ी है, उसमें बस्तियां बन गई हैं। वो झुकी नहीं है एक्चुअली, वो गांव है, वो परिवार है, वो किसान है। वो कोई इंक्रोचमेंट नहीं किए हैं, इंक्रोचमेंट सरकार ने उनसे कर लिया, उनसे बिना पूछे एक एजेंसी बना दिया और उनकी जमीन को उसमें मर्ज कर लिया और कह रहे हैं तुम इंक्रोचर हो। तो एक ये भी तो एक विषय है। तो मुझे लगता है कि अगर 3-4 पहलू को देखा जाए तो यहाँ उनके साथ धोखा भी है, अन्याय भी है, और इन सब चीजों को लेके अगर देखा जाए तो उनका वहां रहना बहुत आवश्यक है। ऐसे तो अन्याय कोई किसी के साथ कर सकता है। बेसिकली डीडीए जो है उस गांव को बर्बाद करके और अपनी जो करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो नमूना पेश कर,
आपने पहले अगर वो प्राइवेट था तो आपने पहले जो करोड़ रुपए आपने एज अ टैक्सेस खरीद या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो पैसे लिए हैं सारे डीडी की रिसिप्ट है, तो इन लोगों ने जो आप उगाही की वो कैसे की थी? ये यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में अगर कॉन्क्रीटाइज होगा, रिवर बैंक्स को नदी के किनारों को अगर कॉन्क्रीटाइज कर देंगे, तो ये बहुत इकोलॉजिकली बहुत ही ख़राब एक तरीके का प्लानिंग हो जाएगा और इसको नहीं करना है। हमारे सामने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट का नमूना भी है, जिसकी आधार पे बहुत सारी कल्पनाएं चल रही हैं। बहुत सारे आर्किटेक्ट उसी से प्रेरणा लेकर, या कई जगह तो वही आर्किटेक्ट जो साबरमती के आर्किटेक्ट थे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के, वही बाकी जगह पे भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ला रहे हैं। खैर, यमुना के केस में, यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में वो कॉन्क्रीटाइज्ड वाली चीज़ को एनजीटी के दबाव के चलते बदल दिया गया है। अभी जो रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो एक समूचे प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं हो रहे हैं, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में बांट दिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि असीता वेस्ट पार्क एक बन चुका है, वो भी यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत ही बना है। और इस तरीके के असीता ईस्ट भी एक पार्क बन रहा है, और बहुत सारे ऐसे पार्क प्लान किए गए हैं। ये हमें कैसे पता है? क्योंकि मास्टर प्लान का जो ड्राफ्ट आया है 2041 का दिल्ली का, उसमें भी ये बात उन्होंने रखी है कि हम पार्क, वॉकिंग वेज और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो नदी के किनारे बनाएंगे। उसका पर्पज़ ये रहेगा कि जो जनता यमुना को ठीक से नहीं देख पाती है वो यमुना को देखे, यमुना के नज़दीक लाना दिल्ली को, ये उसका पर्पज़ बताया जा रहा है। लेकिन इसमें मुख्य बात ये समझने की है कि पर्यावरण की दृष्टि से क्या ये खेती से या जो अभी गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही हैं उनसे बेहतर है? तो शायद नहीं है। किसानों की एक और समस्या ये है कि वे चाह कर भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्हीं ज़मीनों पर वे कई सालों से रहते आ रहे हैं। दिल्ली में यही उनका घर है, यहाँ से उगाई गई सब्ज़ी से वे अपना पेट पालते हैं। लेकिन अगर उन्हें उजाड़ा जाएगा तो क्या सरकार के पास उनके पुनर्वास की कोई योजना है?